नमस्कार, मैं डॉक्टर बी डी पारसीवार, स्त्री रोग प्रसूति शास्त्र तज्ञ, ओम साई हॉस्पिटल वसई पूर्व, ओम साई हॉस्पिटल नालासोपारा पूर्व। आज का अपना चर्चा का विषय है वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण या गर्भावस्था में कौन से वैक्सीन लेना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है टिटानस टॉक्सेट यानी कि इंजेक्शन टीटी। ये वैक्सीन के दो डोजेस लिए जाते हैं। दो डोज के भीतर कम से कम एक महीने का गैप रहना जरूरी है। होने वाले बच्चों में टिटानस न्यूनाट्रम नाम का बीमारी ना हो, इसके लिए ये वैक्सीन माता को गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है। अगर माता का पहला बच्चा छोटा है, 2 साल के भीतर है, तो ऐसे महिलाओं में बूस्टर टीटी यानी कि एक डोज ही टिटानस टॉक्सेट का दिया जाता है। आजकल टीटी वैक्सीन की जगह टीडी वैक या टीडीएफ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में दूसरा वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है गर्भावस्था स्त्री के लिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू बीमारी का प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, और होने वाले बच्चों में भी 6 महीने तक इन्फ्लुएंजा या फ्लू का प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। तो आपका जहाँ पर भी ट्रीटमेंट चालू है तो वो डॉक्टर को ये वैक्सीनेशन के बारे में पूछे, अपनी जानकारी ले और याद से ये वैक्सीन लेना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।